हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर फुल साइज़ में फ़ोटो कैसे पोस्ट करते हैं और कम्युनिटी थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि यहां पे मैंने जो भी फ़ोटो लगाया है फुल साइज़ में अच्छे से दिख रहा है, कोई भी पार्ट कटा हुआ नहीं है। और मैं जो यहाँ पोस्ट करता हूँ तो यूट्यूब वीडियो का लिंक भी लगाता हूँ, तो वो भी आपको बताऊँगा कि कैसे इस तरह का जो है कम्युनिटी थंबनेल बनाते हैं और लिंक वगैरह कैसे लगाते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम जब कम्युनिटी टैब में कुछ पोस्ट करते हैं, सपोज कि यहाँ इमेज आप सेलेक्ट करते हैं और आप जो है जो भी थंबनेल बनाए हैं उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है पूरा दिखता नहीं है, ठीक है, कट जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको जो है यहाँ पे जो भी फ़ोटो एडिट करना है वो स्क्वायर साइज़ में एडिट करना है, 1:1 के रेशियो में आपको यहाँ पे बनाना रहता है। तो यहाँ पे आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। तो चलिए जो है आपको अपना फ़ोटो एडिटर जो है ओपन कर लेना है। आप जो भी फ़ोटो मतलब जो है एडिटर रखे हों, पिक्सआर्ट हो, पिक्सल लेब हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे चलिए मैं पिक्सल लेब ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके इमेज साइज आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम में जाके यहाँ पे आपको स्क्वायर कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है इसको डब्बा पे जाके क्लिक करके डिलीट कर देना है और यहाँ पे जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख लेते हैं। उसके बाद ऊपर में प्लस वाले पे जाके गैलरी पे जाके जो है फ्रॉम गैलरी से यहाँ पे आपको अपना थंबनेल जो है जो भी आप बनाए हैं पहले वाला थंबनेल वीडियो का, तो उसको ऐड कर लेना है। और इसको जो है यहाँ पे हम लोग इसका साइज़ को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव साइज़ इसका जो है इसका फुल कर देंगे और रिलेटिव पोजीशन इसको मिडिल में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बीच में फ़ोटो को लगा देंगे। अब यहाँ चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। टेक्स्ट पे जाना है, प्लस पे जाके टेक्स्ट पे आप जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करना है और यहाँ पे क्लिक द लिंक इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी एडिट कर लेना है। और जो भी फ़ोटो आप एडिट करेंगे मतलब कम्युनिटी थंबनेल के लिए वो स्क्वायर साइज़ में ही आपको रख के सारा एडिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे टेक्स्ट लग गया है। अब इस तरह से आपको एडिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पिक्सल लेब में 3 डॉट पे जाना है और एक्सपोर्ट इमेज पे जाना है और यहाँ पे कस्टम में अल्ट्रा कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। अब ये फ़ोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसको जब आप पोस्ट करेंगे कम्युनिटी जो है कम्युनिटी पोस्ट में, तो आपका फुल साइज आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है वीडियो का लिंक यहाँ कॉपी कर लेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे जाके 3 डॉट पे जाके आप जो है यहाँ पे शेयर करके जो है लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद कम्युनिटी टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है न्यू वीडियो अपलोडेड। और इस तरह से आपको लिखने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो है वीडियो का लिंक को लगा देना है। तो यहाँ पे जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फ़ोटो पे जाके जो है आपको जो अभी एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है मतलब पिक्सल लेब से जो बनाया है स्क्वायर साइज़ में, तो उसको यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे जो है आपका फुल साइज़ में जो है कम्युनिटी टैब में पोस्ट दिखेगा और इस तरह से जो है आप थंबनेल बना सकते हैं और कम्युनिटी टैब में फुल साइज़ में पोस्ट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो यार ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।